दिस इज आर जे मयंक जो आपके साथ रहेगा अगले 2 घंटे यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और हम सब मिलकर करेंगे ढेर सारी प्यार की बातें। लेकिन दोस्तों प्यार के इस सपने पर जाने से पहले हम मुंबई की ट्रैफिक के ताजा हाल जान लेते हैं। मुंबई के बैंड्रा जंक्शन पर एक्सीडेंट हो जाने के कारण मुंबई से बैंड्रा आने वाली ट्रैफिक बहुत धीमी चल रही है। सेंटा क्रूज और अंधेरी फ्लाईओवर के बीच ट्रैफिक सामान्य है। तुम फिर उसका प्रोग्राम सुन रही थी? भैया प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं तो सुनूंगी। नहीं, तुम उसका प्रोग्राम नहीं सुनोगी। तान्या ये मीठी मीठी बातें करके भोली भाली लड़कियों को फंसाता है और तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है? भैया हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मयंक की नहीं। आज के बाद अगर इस घर में मैंने इसकी आवाज सुनी भैया मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। यहाँ कुछ हो रहा है, किसी ने मेरे स्टूडियो की लाइट ऑफ कर दी है। कोई मेरे कमरे में हेलो दीनू, तुमने सुना मयंक का किसी ने खून कर दिया? हाँ मैंने अभी लाइव रेडियो पर सुना है। ताने मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है ये सब हो सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे रेडियो स्टेशन पे मिलो। तुम्हें कैसे पता गया किसी ने उसको मार डाला? सर रेडियो ने सब उसकी चीख सुनी है। आई डोंट थिंक सो। सर दरवाजा बंद है सर। मयंक दिमाग कर, खड़े खड़े मुंह क्या कर, जाओ जाकर चाबी ले आओ। जी सर। इमीडिएटली कर क्या हुआ? चाबी मिली है नहीं? सर चाबी कहीं दिखाई नहीं दे रही, शायद किसी ने चुरा ली। हेलो, ये स्टूडियो इतना खाली सा क्यों है? हेलो कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे, बाहर जाइए। देखिए यहाँ पर आरजे मयंक का रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ है? ऊपर है, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं जा सकते वहाँ पर। क्यों नहीं जा सकते हम? अरे वहाँ पे कुछ हुआ है। चलिए चलिए बाहर चलिए चलिए। अरे अरे रुकिए। सनी सनी सर दरवाजा नहीं खुला सर, और चाबी भी मिल नहीं रही है। तुम लोग एक काम करो, कंट्रोल रूम में जाकर देखो, शायद वहाँ से कुछ दिख जाए। तुम कहाँ थी जब ये सब हुआ? मैं तो अपने कैबिन में बैठी थी, लोगों के चिल्लाने की और दौड़ने की आवाज आई तो मैं आ गई। मुझे क्या पता था हमारे आरजे के साथ ऐसा होगा। अंधेरा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मिली तुम टॉप बैक ट्राई करो। उसे हमारी आवाज भी तो सुनाई नहीं दे रही है। मयंक लगता है ग्लास तोड़ना पड़ेगा। ये मयंक का स्टूडियो है, उसे क्या हुआ है? आप लोग बाहर से दरवाजा क्यों ठोक रहे हैं? एक्सक्यूज मी आप कौन है? जी मैं मयंक का दोस्त हूं, प्लीज हटिए मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहा हूं? इस स्टूडियो का डायरेक्टर हूं, ये दरवाजा लॉक है, खुल नहीं रहा है। तो चाबी तो होगी ना आपके पास? चाबी खो गई है, नहीं मिल रही है। सर अगर आप लोग बुरा ना माने तो प्लीज क्या मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर सकता हूँ? इनको ये मत करने दीजिए, अगर मयंक अगर मर गया तो हम सब फंस जाएंगे सर। और अगर मयंक जिंदा हो तो? प्लीज मुझे कोशिश करनी दीजिए प्लीज। आई थिंक इज राइट, लेकिन तुम ये दरवाजा खोलोगे कैसे? सर किसी के पास हेयरपिन तो होगा ना? हाँ मेरे पास है। प्लीज दीजिए। थैंक यू, प्लीज उठिए प्लीज। खुल गया सर। आप लोग सब यहीं ठहरेगा, यहीं रहना, कोई अंदर नहीं आएगा। ओके मयंक। अरे पहले लाइट तो चालू करो। Thank you.
पर तो कोई भी नहीं है। पर मयंक पर तो अटैक हुआ था ना? अटैक तो हुआ था, सबने सुना है उस पर अटैक हुआ था। अटैक तो हुआ था, लेकिन वो यहाँ से गायब कैसे हो गया? अभिजीत तुम फौरन यहाँ आ जाओ। सर अच्छा हो आप लोग जल्दी आ गए, यहाँ तो और भी कुछ हो गया। अब क्या हुआ? मयंक स्टूडियो के अंदर से गायब हो गए। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि वो स्टूडियो में बंद है और उस पर किसी ने हमला किया। सर कहा तो था मगर जब दरवाजा खोलकर देखा तो मयंक अंदर दिखाई ही नहीं दिया। कैसे हो सकता है? वो क्या रेडियो जॉकी है या जादूगर? सर इसी बात को लेकर तो हम परेशान है कि अगर गायब हुआ तो कैसे। ये सब आपके एम्प्लॉइज हैं? जी सर। क्रिटिक्स इन सब को एक साथ इकट्ठा रखो। चलिए चलो चलो आइए आइए। लगता है यहाँ काफी हाथापाई हुई है। मयंक ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है सर। काफी खून भी बह चुका है, लगता है किसी हरी चीज से मारा है। सर हाँ देखिए सर, खून इससे मारा है। ना मार खाने के बाद मुझे नहीं लगता मयंक बच गया होगा। मगर सर लाश कहाँ गायब हो गई? लाश तो मिलनी चाहिए थी कम से कम। और सर उस वक्त ये रूम भी बंद था। हाँ मालूम है मुझे। दया सर इस कमरे की दीवार फर्श अच्छी तरह से चेक करो, कारपेट उठा कर देखो। यहां से बाहर जाने का कोई तो सीक्रेट रास्ता होना चाहिए। आपका कंट्रोल रूम है ना? जी सर। जब यहाँ प्रोग्राम चल रहा होता है तो वहाँ कोई नहीं होता। सर होता है ना, एक एलिस नाम की लड़की है वो कंट्रोल रूम संभालती है। एलिस? अगर एलिस उस वक्त वहाँ थी तो फिर उसने जरूर कुछ तो देखा होगा। सर वो वहाँ थी लेकिन उसका कहना है कि उसने कुछ नहीं देखा। अच्छा तो अभी हम इस एलिस से बात करते हैं। तुम यहाँ खड़ी थी? यस सर। और तुमने कुछ देखा नहीं? नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? ये इतनी बड़ी कांच है बीच में और फिर भी तुमने कुछ नहीं देखा? मुझे पता था सर, आई न्यू इट, मैं ही फंसूंगी। देखो घबराओ मत, हमें सिर्फ ये बताओ तुम्हें मयंक यहां से दिख रहा था ना? जब वो आया तब तुमने उसे ग्रीट भी किया होगा? हाँ सर किया था। फिर मैं यहाँ साउंड लेवल चेक करी थी और वो वहाँ सामने। आपका अपना मयंक आपके लिए लाया है कुछ खास गाने जो आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले ट्रैफिक का हाल। जो लोग बैंड्रा से कुर्ला और चर्चगेट से बोरीवली की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए तैयार बैठा है एक बड़ा सा ट्रैफिक जैम। माय गॉड। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना आपका अपना आरजे मयंक। आप तो जानते हैं मयंक करता क्या है। जब भी आपको करनी हो प्यार की गुप्तगु तो कॉल कीजिए 1921923535। खुलासा कीजिए पूरी तरह अपने प्यार भरे जज्बातों का और मेरे साथ शेयर कीजिए अपनी दिलवर की मीठी मीठी बातें। ओनली ऑन रेडियो 97.1 FM। वो मुझे मारना चाहता है। अरेस्ट अरेस्ट वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। बचाओ, समझ में आ रही है? यही हुआ था सब। मतलब जब खूनी मयंक के कमरे में घुसा
तब आप यहाँ इस कॉर्नर में थे। यस सर। अगर मयंक वहाँ बैठा था तो यहाँ से तो वाकई नहीं दिखता। फिर तुम यहाँ से वापस आई अपने कंसोल के पास। यस सर। इस कांच के उस पार वो सब हो रहा था और फिर भी तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं दिखा। अंधेरा था सर। अच्छा दया, उस कमरे की लाइट्स ऑफ करो। हाँ वाकई यहां से कोई दिख नहीं रहा है। एलिस ये बताओ यहां से मयंक के स्टूडियो के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगा होगा? वो तो मुझे नहीं पता सर, मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा तुम भाग कर गई या धीरे धीरे चल कर गई? अब कुछ भाग के गई थी सर, वहां से मयंक के चीखने की आवाज आ रही थी। अभिजीत तुम यहाँ से मयंक के स्टूडियो के दरवाजे तक जाकर देखो, देखो कितना वक्त लगता है। चलिए। फिफ्टीन सेकंड सर, इतने में तो कोई भी दरवाजा बंद करके भाग सकता है। एलिस जब तुम यहाँ पहुंची उस वक्त यहाँ कोई और था? नहीं सर। फिर तुमने क्या किया? सर फिर मैं दरवाजे के पास भागी, उसे खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुला नहीं सर। तुम्हारे बाद यहाँ कौन पहुंचा था? सर मेरे बाद रमन सर। रमन जी, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने कैबिन में था सर। और अपनी कैबिन कहाँ है? यहाँ सामने सर। यहाँ सामने? अभिजीत एलिस को यहाँ पहुंचने में 15 सेकंड लगे और रमन जी की कैबिन यहाँ सामने होने के बावजूद भी वो एलिस के बाद यहाँ पहुंचे। क्यों? सर मैं तो अपनी कैबिन में काम कर रहा हूँ, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुरंत मैं यहाँ चला। आपके बाद यहाँ कौन आया था? मेरे बाद सनी आया था सर। सनी? फ्रेडरिक्स सनी को लेके आओ। सनी, सनी तुम यहाँ क्या करते हो? सर मैं यहाँ आरजी हूँ, रेडियो जॉकी। और ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? सर मैं वहाँ आरजीएस के रेस्टरूम। रेस्टरूम? रेस्टरूम में क्या कर रहे थे? सर मयंक से पहले जस्ट अपना प्रोग्राम खत्म करके मैं वहाँ कॉफी पी रहा हूँ, इतने में यहाँ बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं दौड़ के यहाँ बाहर चला। अच्छा अभिजीत, हमला करने वाला मयंक की बॉडी को यहाँ से बाहर ले गया होगा तब किसी ने तो उसे देखा होगा, किसी ने तो। यहाँ से कौन कौन आए थे? कौन आया था? सर विकी और शीला आए थे सर। विकी और शीला? जी। विकी और शीला कौन है? जब तुम लोग वहां से आए तो तुमने किसी को बाहर जाते हुए देखा? नहीं सर। नहीं सर, किसी को नहीं देखा। फ्रेडरिक्स इन सब को लेके जाओ। चलिए। चलिए। कमाल है अभिजीत, मयंक स्टूडियो में भी नहीं है और फिर भी उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा, तो क्या हवा में गायब हो गया वो? सर सर एक आदमी आया है, दिनो उसका नाम है, मयंक का दोस्त है, उसके साथ एक लड़की भी आई है। दिनो ने ही ये दरवाजा हेयरपिन से खोला था। हेयरपिन? जी। इस वक्त कहाँ है वो? सर दोनों मेरी कैबिन में है। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते। अभिजीत अनुष्का डीनो, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। क्या रिश्ता है आपका मयंक के साथ? मयंक मेरा दोस्त था, बल्कि मेरे भाई से भी बढ़कर था मेरे लिए। आपको कैसे पता चला मयंक के साथ ये हादसा हुआ है? रेडियो पे सबने सुना। अच्छा।
अच्छा तुम क्या रेडियो स्टेशन के पास ही रहते हो? जी नहीं, मैं वाशी रहता हूँ। तुम वाशी रहते हो, फिर भी 10 मिनट में यहाँ पहुंच गए। जी अभिजीत, मुझे अपनी नजर रखो। तरफ इशारे कर रही है। अनुष्का तुम इसे संभालो, मैं देखती हूँ। जैकेट मिली है स्टोर रूम में, खून से सनी जैकेट। इसी जैकेट को देखकर तुम डर गई थी? सभी लोग ऊपर है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं रमन जी की सेक्रेटरी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था स्टूडियो का मैप लेने के लिए। आपकी मयंक के केस में मदद करना चाहते थे। रमन जी ने तुम ये जैकेट पहचानती हो? किसकी जैकेट है? नहीं मुझे नहीं पता। इस जैकेट को किसी को पहने हुए देखा है तुमने? नहीं सर। सर ये जैकेट मेरी है सर। ये जैकेट तुम्हारी है? जी सर, इसके लेफ्ट स्लीव पर एक एंकर का निशान है और उसके नीचे एक क्यू का स्टिकर है। हाँ सर। तो फिर ये जैकेट यहाँ क्या कर रही है? वो तो पता नहीं सर, कल रात मयंक घर आया था सर, वो जैकेट पहनकर घर से निकल गया, उसके बाद स्टूडियो से गायब है। तो फिर उसकी जैकेट यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही है? सर जिसने अटैक किया वो मयंक को यहाँ लाया होगा। सर मुझे लगता है वो यहाँ छुपा होगा और गलती से ये जैकेट भूल गया है। सिक्योरिटी यहाँ मेन डोर पे कौन होता है? हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं सर। मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, हमारा तो रोज का ही काम है आते जाते लोगों को देखना। हमें से किसी ने भी यहाँ पे लाश किसी को ले जाते हुए नहीं देखा साहब। लाश? तुम्हें कैसे पता मयंक की मौत हो गई है? अभी कह रहे थे साहब कि वो उसके ऊपर अटैक हुआ है। अनुष्का सबको ऊपर लेकर जाओ और एक कमरे में रखो। चलिए आप लोग मेरे साथ, चलिए प्लीज। पूरे बिल्डिंग को सील करो,
ये मयंक इसी बिल्डिंग में होगा। हाँ साहब, यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? साहब ये एक ही रास्ता है साहब। एक ही रास्ता, ये शटर बंद कर दो, यहां से कोई भी अंदर बाहर नहीं जाएगा, समझे? चलो। ओके सर। सर इन्हें दमे की बीमारी है, कह रहे थे कि इनके टेबल पर इनहेलर है मगर वो वहां पर नहीं है। ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो जल्दी। यस सर। अभिजीत सर, थर्ड फ्लोर पर जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ, क्या है? सर कुछ ऐसा मिल गया जिसे देख के मैं भी चौंक गया। ठीक है मैं आता हूँ। खून देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। कमरे में सर इतना सारा खून, ऐसा लगता है यहां उसकी बॉडी को काट के ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। अभिजीत, ये सारा खून स्टूडियो के फ्लोर पे मिला हुआ खून और उस जैकेट पे लगा हुआ खून, सारा खून इकट्ठा करो और फोरेंसिक लैब में भेज दो चेक करवाने के लिए। अच्छी तरह से चेक करवाओ और जितने भी लोगों को हमने यहाँ रोक के रखा है उन सबको भेज दो। अचानक अभिजीत, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि कोई आदमी सेकंड फ्लोर पे किसी को मारता है और फिर उसे फर्स्ट फ्लोर के स्टोर रूम में ले जाता है, फिर वहां से किसी तरह से वो यहाँ थर्ड फ्लोर पर रिक्रिएशन रूम में लाता है और उसे काटता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से वो बॉडी को लेके घूम रहा है और बिल्डिंग में काम करने वाले किसी ने भी उसे नहीं देखा। नहीं अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब सर मयंक अपना खून होने का ड्रामा कर रहा है? हाँ, और उसके लिए ये सब करना आसान था। वो रिकॉर्डिंग रूम में गया, उसने अनाउंसमेंट की, बाहर आया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाजा बंद किया, फिर यहाँ आकर उसने ये खून डाला, फर्स्ट फ्लोर के स्टोर रूम में गया और उसे अपनी जैकेट रख दी, और सारी दुनिया जब उसके स्टूडियो का दरवाजा पीट रही थी तब वो छुपके से भाग गया। एक काम करते हैं अभिजीत, मयंक के घर जाते हैं और कोई ऐसी चीज उठाते हैं जिससे हम उसका डीएनए टेस्ट कर सके। टूथब्रश, हेयरब्रश, कुछ भी। फ्रेडरिक्स, दरवाजा तोड़ दो। यस सर। अनुष्का, घर को अच्छी तरह से चेक करो, देखो मयंक का कोई टूथब्रश, हेयर ब्रश, रेजर, जो कुछ भी मिले उठा लो डीएनए टेस्ट के लिए। आदमी के बाथरूम में रेजर तो क्या कुछ भी नहीं मिला, ना टूथब्रश, ना शेविंग किट, ना साबुन, कुछ भी नहीं है सर। ये मयंक बड़ा पहुंचा हुआ नहीं,
सर हाँ ये देखिए सर रेजर इस्तेमाल किया हुआ प्रिडिक्स इसे फोरेंसिक लैब में लेके जाओ डीएनए टेस्ट के लिए यस सर अच्छा इसका मतलब यहाँ से निकलकर अपने किसी दोस्त के घर में छुपने का प्लान था जनाब का ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है अनुष्का जरा फिर से प्ले करो आंसरिंग मशीन को लेके चला ये आवाज है किसकी दीनो डॉक्टर ये क्या कर दिया आपने इस जैकेट को तो धो दिया सारे सबूत धुल गए होंगे फ्रेडी रिलैक्स डोंट वरी मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया था जैकेट को सारा खून तो बह रहा है फ्रेडी उसी ब्लड के तो सैंपल दिए हैं ना और ये रेजर लेके कहाँ घूम रहे हो ये मयंक का है इससे आपको डीएनए टेस्ट करने में मदद मिलेगी तो बताया क्यों नहीं ये इस केस का पहला क्लू है थैंक यू वेरी मच थैंक्स डॉक्टर को डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट पेरी जस्ट रिलैक्स स्टॉप बीइंग नर्वस ओके अंदर अच्छी तरह चेक करो यस सर जाओ अब इस रेजर पर मिले हुए स्किन और खून के सैंपल से हम आरजे मयंक का डीएनए मैच कर सकते हैं कहीं कुछ चेक करो चुप एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से मयंक कहां है मयंक मैं तो मैं गया सर चला गया सर मयंक यहां से कब चला गया हा? कब चला गया वो मयंक क्या आया था सर अनुष्का मयंक का आंसरिंग मशीन सुना सुना हेलो मयंक वैसे तो रेडियो पे बड़बड़ करते रहता है तू ना घर का फोन उठाता ना ये मैसेज तो मैंने कल रात को छोड़ा था मयंक के घर पे सर मयंक मेरे घर आया था रात को हाँ डॉक्टर नियति सर मैंने खून के सारे सैंपल्स चेक कर लिए हैं फिर सर ये खून किसी जानवर का है किसी बुचर शॉप से लिया गया है तो क्या ये सारा नाटक मयंक का ही है ऐसा नहीं लगता है सर
बात कुछ और ही है। मयंक की जैकेट पर सूखे हुए खून के निशान पाए गए हैं, जो मयंक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गए हैं। सूखा हुआ खून? हाँ सर, और ये खून फ्रेश नहीं है, 24 घंटे पुराना है। मयंक का खून आज नहीं 24 घंटे पहले हुआ है। तो क्या किसी ने ये सारे सबूत इसलिए छुपे ताकि शक मयंक पर जाए? यस सर। डॉक्टर नियति, मुझे लगता है शायद खूनी मेरे सामने ही खड़ा है। डीनो, मयंक का खून आज रेडियो स्टेशन में नहीं हुआ है, कल रात हुआ है, और वो भी यहां। बताओ कल रात यहां क्या हुआ था? मयंक रात को यहां रुकने आया था, उसके आते ही से कोई फोन आया सेल पे और अरे गाना तो ठीक से बजाया यार। गाना नहीं बजा रहा, गिटार ट्यून कर रहा हूँ। ओ, तुम आज मुझे कैसे याद कर लिया? मिलना था तुमसे। अभी? हाँ। पर अभी कैसे मिल सकता हूँ यार? ठीक है, फिर मैं कभी और। अरे नहीं नहीं, I'll be there, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी पहुँच। पहुँचता हूँ बाबा। ओके, या जा। अबे मेरी जैकेट कहाँ लेके जा रहा है? आधे घंटे में आता हूँ यार। रात को यहाँ रुकने आया था सर, चला गया, वापस नहीं आया। ये क्या कर रहे हो सर? चुप सर, ये क्या कर रहे हो सर? जाओ इधर से। रिक्स, खुद के देखो इसे। हाँ। संभाल के खोदो। रेडियो 97.1 सर, शायद है मयंक का टी शर्ट। अरे मयंक का टी शर्ट है ये, मयंक की लाश नहीं मिली, उसका जो भी सामान था मैंने दफना दिया सर। वही था मेरा सर। वो फोन किसका था? कब आया था वो फोन? किसका फोन था? कितने बजे आया था? कुछ नहीं, हमने सुना है कि किसी रॉक कॉन्सर्ट में तुमने माइक का स्टैंड फेंक कर मारा था ऑडियंस पे। सर वो बदतमीजी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, उन्हें शायद गाना पसंद नहीं आया सर। मैं इनको फोन किसने किया था? पता नहीं सर। फोन आया था सर 9:59 पर। फोन आया था दादर स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। किसने किया था फोन? मैं नहीं जानता। दया, ये डीनो सीधे मुंह झूठ बोल रहा है। इसके साथ कोई ना कोई तो मिला हुआ है, और वो आदमी रेडियो स्टेशन में काम करता है। सर मगर उस रेडियो स्टेशन में 15 मेल मेंबर्स काम करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? उन सबको बुलाओ और एक एक की आवाज टेस्ट करो, देखते हैं किसकी आवाज मयंक की आवाज के साथ मिलती है। मगर सर आजकल कितने लोग हैं जो स्टेज शोज, टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, 500 एक्टर्स की आवाज की नकल उतारते हैं, फिर कैसे पता चलेगा? सर जिस आदमी ने मयंक की आवाज की नकल उतारी है उसकी खुद की आवाज अलग होगी सर। सर देखिए, जैसे सुदेश भोसले जी अमित जी की आवाज में कितने गाने गाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाज अलग है सर। लेकिन एक आवाज है जिसकी नकल नहीं उतारी जा सकती। कौन सी? चीख। तुमने कभी मुझे चीखते हुए सुना? जब किसी की चीख सुनी ही नहीं तो उस चीख की नकल कैसे की जा सकती है? उन 15 लोगों को बुलाओ और उनके मुंह से चीख निकालने की कोशिश करो, और फिर उस चीखने की आवाज से मिलाकर देखो जो सारी दुनिया ने रेडियो पर सुनी है। सर आपको हमसे क्या दुश्मनी है? आपने हम लोगों को फिर से क्यों बुलाया?
मेरी तो इज्जत ही उतार दी आपने सर। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। प्रिडिक्स। चलिए चलिए। अब क्या हो रहा है यार? प्लीज आप लोग बैठ जाइए, जब तक मैं न कहूं तब तक कोई बाहर नहीं आएगा। दे रेडी? यस सर। प्रिडिक्स। हाँ सर। डीनो को अंदर भेज दो। ओके डीनो आप आइए। जाइए। डीनो, तुम जा सकते हो। प्रिडिक्स। सर। सनी को अंदर भेज दो। कोई है? What the hell is happening? आगे देखो जाता तो। अगर आप लोग रमन जी के साथ ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे यार। सनी, कौन जिएगा कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा, समझे? तुम जा सकते हो। ओके। प्रिडिक्स। यस सर। वो बाहर आ रहा है। रुकिए। अब क्या हो? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? अब क्या हुआ? रमन जी, अब आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया है कि मयंक की आवाज किसने निकाली। प्रिडिक्स। चलो। सर, मैं और मयंक एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त। कॉलेज के जमाने से, कॉलेज की किताबें, एक दूसरे के कपड़े, हम सब आपस में शेयर करते। यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन में आरजे भी हम दोनों एक साथ ही बने थे। फिर मेरी जिंदगी में एलिस आई। एलिस मुझसे प्यार करने लगी और मयंक एलिस से। वो चाहता था कि हर चीज की तरह मैं अपनी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ शेयर करूं, पर ये तो हो नहीं सकता था ना सर। मैंने मयंक को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना सर। और फिर उस रात दादर स्टेशन से फोन करके हमने उसे मिलने के लिए बुलाया था। हाउ आर यू एलिस? मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे फोन किया और अपने आप को ये भी समझाने की कोशिश की कि तुम सिर्फ hey, चल हाथ निकाल। तुझे मैंने समझाया था ना, एलिस को परेशान मत कर, उसका पीछा करना छोड़ दे। हैं? मैंने कब एलिस का पीछा किया? देख मैं, आज के बाद अगर तूने एलिस को परेशान किया या उसका पीछा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चल निकल अभी, चल। I love you, Alice. तेरी तो क्या बोल रहा बोल, अबे बोल ना। सनी छोड़ो उसे, प्लीज लेट गो। बोल, अबे बोलता क्यों नहीं? सनी, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? मैं सबको पता क्या है कि मैं इससे मिलने जा रहा हूँ। लव यू एलिस। अब अगर वो नहीं पहुंचाना तो मैं फंस जाऊंगी सनी, मैं फंस जाऊंगी।
मयंक वापस जाएगा। कल रेडियो स्टेशन पे उसका शो भी होगा। आपका अपना मयंक आज आपके लिए कुछ खास गाने लेकर आया है और वो सुनेंगे आप बस थोड़ी ही देर में। मुझे सिर्फ एलिस देख सकते थे। मयंक के खून होने वाली आवाजें भी मैंने निकाली थी सर, और फिर जल्दी से स्टूडियो का दरवाजा लॉक करके मैं आरजेएस के रेस्टरूम में चला गया। एक खून हुआ है तुम्हारे हाथों और उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की है तुमने, और तुम्हारे इस काम में शामिल होकर एलिस ने भी एक बहुत बड़ा गुनाह किया। अब तुम दोनों पर मुकदमा चलेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।